Dosto, welcome to MATV Studios. Thank you very much for joining us. And let me also tell you that you can actually watch us live on YouTube, or tell your friends they can if they are not in Britain or Europe. They can actually see us on YouTube by clicking MATV National. And also, if you want to watch us on online, it is www.matvchannel.com. And obviously, you are watching us on Sky 793. Program's name is, as you know, is Sathi Ke Sang Sang. I am here every Thursday from 9:30, 10:30, live program. And I bring guests, actually, who are, sometimes they are musicians, other time they are poets, other time they are politicians, councillors, members of parliament, and so on. So, आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो हिंदी में है प्रोग्राम और हमारे जो गेस्ट हैं बड़ी प्रोमिनेंट हिंदी की पोएट हैं उनसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं फिर मैं उनका मतारफ कराऊंगा तो शिखा वार्ष्णेय जी हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत खैर मकदम शुक्रिया सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग आई नो इट इज वेरी कोल्ड आउट देयर दैट्स ओके लेकिन जो पोएट लोग होते हैं वो अंदर से गर्मी होते हैं हाँ जी बिल्कुल 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 एकदम सही बात हमें और कुछ सूझता ही नहीं उसके अलावा ना ठंड असर करती ना गर्मी शिखा जी व्हेन डिड यू अराइव इन दिस कंट्री यहाँ इंग्लैंड में तो अभी 8-9 साल हो गए आठ नौ साल जी हाँ उसके पहले आप मास्को में रहते थे जी नहीं उससे पहले हम अमेरिका में थे चार पांच साल अच्छा अमेरिका भी रहे जी 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 कहाँ कहाँ रहे अमेरिका अमेरिका में हम लोग शिकागो शॉर्लेट अटलांटा मतलब दो तीन जगह पर मतलब घूमते रहते हैं हम लोग इधर से उधर जी जी बहुत बड़े घुमक्कड़ टाइप के लोग हैं जी जी तो शिखा जी का जन्म हुआ दिल्ली में और उम्र तो इनकी बहुत यंग है मैं बताना भी नहीं चाहता तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की वहाँ से टीवी जर्नलिज्म जी हाँ विद ऑनर्स फ्रॉम मॉस्को जी हाँ यूनिवर्सिटी जी जी एंड करंटली यू आर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एंड कॉलमिस्ट रिजाइडिंग इन लंदन ऑब्वियसली राइटिंग अबाउट सोशल एंड कल्चरल इश्यूज जी सो व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल एंड कल्चरल इश्यूज व्हाट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव यू हैव एक्चुअली अबाउट लाइफ इन लंदन एक्चुअली मेरा जहाँ तक जितनी भी लेखन होता है जो भी होता है तो मैं यहाँ से हिंदुस्तानी मीडिया के लिए ज़्यादा लिखती हूँ अच्छा। या फिर मैं यहाँ लिखती हूँ सोशल मीडिया पर तो मेरा ज़्यादातर जो दिलचस्पी मेरी होती है वो होती है कि कुछ ऐसा हो जो वहाँ का कल्चर हिंदुस्तान का कल्चर और यहाँ का कल्चर उन दोनों में पढ़ने वाला तुलना कर सके तो उसी को लेकर ज़्यादातर होता है जैसे वहाँ की जो समस्याएं हैं हिंदुस्तान की समस्या वो यहाँ की समस्याओं से कैसे रिलेट करती हैं या यहाँ की जो सोशल समस्याएं हैं वो वहाँ की समस्याओं से कैसे रिलेट करती हैं वो लेकर उसको मैं लिखती हूँ जिससे कि वहाँ के लोग समझ सकें कि यहाँ यहाँ भी सब कुछ गुलाबों का बिस्तर नहीं है और यहाँ के लोग जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल और यहाँ के लोग समझ सके कि हिंदुस्तान सिर्फ बीन्स पेड़ों और भालुओं का देश नहीं है ठीक है तो मतलब वही मेरा मकसद होता है और वही ज्यादातर विषय होते हैं इट इज बेसिकली इट इज अ कंपैरेटिव स्टडी ज्यादातर हाँ बिकॉज आई यूज्ड टू राइट अ कॉलम आल्सो जी आई थिंक आई टोल्ड यू अबाउट दैट एंड इट इज नॉट इजी टू राइट अ कॉलम फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल बिल्कुल द सेकंड इज You, if you are a writer, you got to be honest with yourself. बिल्कुल, बिल्कुल. Instead of painting a rosy picture के भी जहाँ ये हो रहा है, वो रहा है, सब ऐसा ही ऐसा जी, है, जी, जी. और जो पौंड है, वो पेड़ों पर लगे हुए हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. ऐसी picture नहीं देना चाहिए. जी, बिल्कुल, बिल्कुल. Do you sometimes feel के जब आप इंडिया जाते हो, तो लोग tempted होते हैं कि हमें भी रहना चाहिए लंदन? जी, बिल्कुल, बहुत होते हैं. असल में वहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि आप हीथ्रो पर उतरे तो आपको पॉन्ड्स के पेड़ मिलेंगे और सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ होगा तो लेकिन यही है कि हमको यही बताना हमको चाहिए कि यहाँ पर आकर भी वही संघर्ष होता है इंसान का वही चीज़ें होती हैं जिससे वो आगे और शायद और भी बहुत तरह की हाँ वैसी परेशानियाँ होती हैं जो हमारे अपने देश में नहीं होती तो वहाँ के लोगों को है इंटरेस्ट है काफी इंटरेस्ट है लेकिन डू यू थिंक इसमें कुछ हमारा भी फॉल्ट है व्हेन आई से हमारा नॉट पर्सनली आस्क
कि हमारे कुछ लोग ऐसी रोजी पिक्चर खींचते हैं वहाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल और ऐसा शो ऑफ करते हैं कि पीपल गेट टेम्प्टेड कि भाई हमें भी वहाँ जाना चाहिए. देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि अगर हम इस देश में रहते हैं यूरोप में रहते हैं अमेरिका में रहते हैं तो इकोनॉमिक तौर पर फाइनेंशियल तौर पर तो बेटर ऑफ है जी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन एग्जैजरेट इतना किया जाता है कि वो लोग टेम्प्टेड हो जाते हैं जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल. असल में वो वैसे भी हमारे यहाँ है कि पश्चिमी सभ्यता से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं वैसे भी जी हाँ इंडिया में वो पुराना इतिहास रहा है या आप जो भी कह लीजिए. लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो वाकई में जो जो चीज़ें हम यहाँ बेसिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो वहाँ पर लग्जरीज हो जाती हैं. तो बट ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी है ज़्यादा आरामदायक है जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी है लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है. इसलिए भी है ना कि जब लोग हमारे मुल्कों से आते हैं अफ्रीका से आते हैं या कह लो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाज कॉइंड बाय वाइट पीपल जी बिल्कुल इन्होंने हमें डिवाइड किया गेटोस वगैरह जो शब्द है जो इनके घड़े हुए हैं तो वहाँ जो सिस्टम है ना शायद उससे लोग भागना चाहते हैं. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जैसे हम बाहर बात कर रहे थे कि सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है लेकिन वक्त लगेगा. जी बिल्कुल बिल्कुल. व्हेन यू से कि वहाँ जो सभ्यता है हमारी हिंदुस्तान की वहाँ क्योंकि मुझे तो बहुत देर होगी जहाँ मैं जाता भी हूँ लेकिन वो विजिट ही करने होता है लेकिन प्रैप्स यू आर मोर फेमिलियर विद इंडियन कल्चर दैट. तो जब आप कहते हैं कि भाई बाहर का जो कल्चर है जाना वेस्टर्न जो कल्चर है इससे ज़्यादा लोग मुतासर है कौन सी चीज़ आप देखते हैं कि मुतासर है यहाँ से. वहाँ उनका रहने का तरीका लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं वो तो काफ़ी कुछ वेस्टर्नाइज हो ही चुका है. मतलब जैसे लोगों का वहाँ घर है जिस तरह के या जो उनका आउटिंग के तरीके हैं बाहर जाने के या इंजॉय करने के जो तरीके हैं काफ़ी कुछ बदल चुका है उसमें. मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो भारत है वो एक परिवर्तन के दौर में है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो उस दौर में है जहाँ वो चाहते हैं बदलना लेकिन अभी उनका जो पिछला जो सामाजिक व्यवस्था है उनको उस तरफ बदलने के लिए अभी अलाउ नहीं कर रही है. तो काफ़ी कुछ चीज़ें बीच में कंफ्यूज हैं लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम के बाद चीज़ें वो ठीक हो जाएंगी. जैसे कि अभी अगर आप देखें तो वहाँ जो महिलाओं की स्थिति है काफ़ी सुधर चुकी है अगर उसको सुधरा कहा जाए तो. मतलब लड़कियाँ अब आत्मनिर्भर हो गई हैं अब उनके लिए पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है. माँ बाप भी जिस तरह पहले होता था लड़कियाँ लड़की में भेदभाव मैंने अब नहीं देखा. मतलब खासकर शहरों में अच्छे परिवारों में अब उस तरह का भेदभाव नहीं दिखाई पड़ता है. लड़कियाँ पढ़ती हैं लिखती हैं अपना आत्मनिर्भर बनती हैं. तो लेकिन वही है कि फिर सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि आप फिर इतनी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते. लड़कियां रात को बाहर जा रही हैं तो समस्या है या थोड़ा सुरक्षा की समस्या है. तो वो चीज़ें अभी आ रही हैं तो शायद इसीलिए आ रही हैं कि अभी वो लोग उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में चल रहे हैं. क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि जो लड़कियाँ हैं उनको बराबर के लेकिन पढ़ने में कुछ डिफरेंट भी होता है आता है जब जी बिल्कुल 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 व्हाट हैपेंस यू नो जी हां बिल्कुल यू यू सेड इट योरसेल्फ के बाहर रात जी हां बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात नहीं होती असुरक्षित होती है जी हां जी हां बिल्कुल जी. डू यू थिंक द इंडियन मेन वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन इंडियन मेन दे गॉट टू चेंज देयर मेंटालिटी और द एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन. जी हाँ ये असल में समस्या यही है कि हम जब ये समस्याएं आती हैं तो हम ना लड़कियों को समझाने बैठ जाते हैं कि उनको शिक्षा देनी चाहिए कि तुम ऐसे मत करो तुम्हारा ऐसे निकलना ठीक नहीं तुम्हें संस्कारी होना चाहिए. जबकि ज़रूरत है हमें हमारे लड़कों को सिखाने की उनको समझाने की ज़रूरत है कि जो महिलाएं हैं उनकी तरफ किस तरह का उनका व्यवहार होना चाहिए. और वो शुरू होता है अपने घर से जहां हम देखते हैं कि हमारा बेटा भी है बेटी भी है. हम बेटे के साथ एक अलग व्यवहार करते हैं कि हाँ ठीक है तुम दोस्तों के साथ जाओ जो मर्जी करो. बेटी को हम कहते हैं कि नहीं तू 8 बजे आ जा शाम को वापस. बेटी को कहते हैं कि भाई के लिए पानी ला खाना ला. वहीं से ये चीज़ें शुरू होती हैं. बेटा समझता है कि लड़कियां इसीलिए बनी होती हैं. बेटा समझता है कि I am something special. हाँ, जी हाँ. और लड़कियां इसी के लिए बनी हैं. या जब वो अपने पिता को देखता है अपनी माँ को डोमिनेट करते हुए तो उसको वही लगता है कि लड़कियां इसीलिए होती हैं यही करेंगी. और वो आगे चलकर वही चीज़ें उसके दिमाग में होती हैं. तो ज़रूरत हमें लड़कों को शिक्षित करने की है उनका उनकी मानसिकता बदलने की बजाय कि हम लड़कियों को समझाएं. क्योंकि अगर लड़कों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो आप कहते हैं तो ज़ाहिर तौर पर दे विल रिस्पेक्ट द वुमेन. बिल्कुल क्योंकि
जो ये कंट्रीज है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट टेम्पटेशन टू कम आउट एंड लिव इन दीज कंट्रीज, दैट इज आल्सो वन ऑफ देम. जी बिल्कुल बिल्कुल. और जो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, विचारों की ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ भी लोग जो आए थे उनको ये फेस करना पड़ा. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में औरत जैसे सर्विट्यूड का लेवल होता है, और यहाँ आए तो उनको अपने हकूक मान गए, क्योंकि बहुत से जो अधिकार औरतों को देखें प्रैक्टिस दोज अधिकार जो है, जो राइट्स हैं, वो इसलिए कर सकती हैं कि उनको इंडिपेंडेंस हो पैसे की, वहाँ शी इज डिपेंडेंट. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो चाहकर भी निकल नहीं सकती हैं, उस व्यवस्था से निकल ही नहीं पाती. डू यू बिकॉज यू बीन टू, यू लिव्ड इन मॉस्को एंड यू हैव सीन दैट कल्चर आल्सो, यू लिव्ड इन अमेरिका, यू हैव सीन हाउ दैट कंट्री वर्क्स. And obviously you are living here now. Do you sometimes feel कि हमारे जो लोग हैं उनकी जो मानसिकता है वो वही है जो वापस इंडिया थी? जी हाँ बिल्कुल. हम उस उम्र में ठहर जाते हैं जिस उम्र में हम इंडिया से बाहर आए थे. जैसे आप यहाँ देखिए, अगर कोई 35 साल से यहाँ रह रहा है तो वो उसी मानसिक अवस्था में रुक गया है जो 35 साल पहले था. उसको लगता है भारत में अभी भी वैसा ही हो रहा है और वैसा ही हमको यहाँ पर प्रिजर्व करके रखना चाहिए कि वही हमारी संस्कृति है. लेकिन सच्चाई यह है कि 35 साल में भारत बहुत आगे चला गया. वहाँ बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं जो यहाँ रहते हुए इंसान वो नहीं समझ पाता. उसको लगता है कि अगर हम उस तरह से करेंगे तो हम अपनी संस्कृति खो देंगे. Do you think they will ever come out, or do you think we should leave that for the next generation? बहुत मुश्किल होता है. असल में वही है कि बाहर आकर आप एक सेकंड सिटीजन का जो आपका ठप्पा लग जाता है, हालांकि वो नहीं होना चाहिए वैसा. तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं और के हैं, आप रह कहीं और रहे हैं, आपकी पहचान कुछ और है. I see. तो वो आप अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वो सारी बातें आप भुलाना ही नहीं चाहते. आप उनको नहीं दरकिनार करना चाहते हैं. हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो ज़रूरत की नहीं है. जैसे हमारे रिवाज कह लीजिए कुछ होते हैं जो, या हमारी कुछ पुरानी जैसी मानसिकताएं हैं, कुछ रस्में हैं, वो ज़रूरी नहीं है. अब समय के साथ भारत ने उनको छोड़ दिया लेकिन हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं. तो लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर हमने उनको छोड़ दिया तो फिर हमारी पहचान क्या बचेगी. It is debatable. Yeah. It is debatable. But nevertheless, you are right. क्योंकि जो कल्चर अपना जो संभालना चाहिए वो जरूरी होता है. जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हमारा कल्चर है एंड जो इंग्लिश कल्चर है वो उनका कल्चर है. दूसरे जो इतनी इतनी कौमियत यहाँ रहती है, they got their own baggage of culture, I should call it. And some are good, others other people may not like it. वो भी सर जरूरी है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का भी आप अपनाएं, आप उसको भी अपना समझें. तो अगर आप बिल्कुल अपने हिंदुस्तान से नहीं निकलेंगे बाहर तो फिर आप यहाँ के लिए पराये हो जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. और वो पॉसिबल नहीं है. कहते हैं आप रोम में रहना है तो रोमन्स की तरह रहिए. तो थोड़ा बहुत मतलब आप, कई बार होता है, मैंने बहुत से यहाँ पर लोग देखे हैं जो भारत से आते हैं, उनको उनके दिमाग में होता है कि नहीं, ये कंट्री तो दूसरी है, हम जहाँ इंग्लैंड तो दूसरा देश है, हम तो वहीं के हैं. जबकि वो रहते हैं यहाँ, हैं, नौकरी यहाँ करते हैं, खाते यहाँ, बच्चे यहाँ, बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, बच्चे स्कूल यहाँ जाते हैं, वो एक अलग कल्चर देखते हैं, उसके बावजूद वो अपने उसी माइंड फ्रेम में रहते हैं. कन्फ्यूजन वहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है, आपने तो अपना आपने ढो लिया, जो भी कर लिया, लेकिन आपके जो बच्चे आते हैं जो नई जनरेशन के, वो बेचारे सफर करते हैं इन सब चीज़ों को. फिर तो सिमुलेशन ऑफ कल्चर और सिमुलेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज इन दिस कंट्री इज इम्पोर्टेंट. इंडिया से प्यार करो, आप वहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन यू शुड आल्सो अडॉप्ट द वे द वेज ऑफ दिस कंट्री. या कम से कम या उसको बुरा मत कहो. मुझे एक दफा हैरानी होती जो राइट एक्चुअली मुझे हैरानी होती है कि जब हमारी दिवाली होती है, बैसाखी होती है, ऐसे जो होते हैं दिवाली होती है, जब रक्षाबंधन भी होता है तो हम एंथुसियास्टिकली मनाते हैं, लेकिन जब जब क्रिसमस का टाइम आता हो तो हम किंतु परंतु मैं तो नहीं करता, मैं तो एंजॉय करता हूं. अरे नहीं, ऐसा बहुत बच्चे भी एंजॉय करते हैं. जी जी, हम भी क्रिसमस पूरी तरह मनाते हैं. देखिए कि दुकान भी जरूर खोलो. हां जी बिल्कुल. दुकान छोड़िए, अभी एक फैमिली से मैं कुछ दिन पहले मिली थी तो
छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, तो वो उन बच्चों को शौक लगा कि स्कूल से देखकर आए थे कि हम भी क्रिसमस ट्री लगाएंगे क्रिसमस पे. नहीं, क्यों, हम क्यों लगाएंगे, हमारा तो त्यौहार नहीं है क्रिसमस, हम दिवाली मनाएंगे. तो ये चीज़ें उनके हिसाब से ठीक है कि हम अपने बच्चे को अंग्रेज़ नहीं बनाना चाहते. लेकिन आप ये सोचिए कि आप जब अंग्रेजों के देश में रहते हैं तो थोड़ा सा बच्चा अगर अंग्रेज बन जाएगा तो उसमें परेशानी क्या, वो बनेगा भी. कि बहुत से लोग जो बहुत पुराने आए हुए हैं, आप तो नए हैं अभी, तो उनके जो बच्चे हैं उन्होंने सम ऑफ देम दे मैरिड इंटर कम्युनिटी इंटर रेशियल मैरिजेस, मान के किसी ने अंग्रेज से करवा लिया, किसी ने किसी और कौमियत से करवा लिया, दूसरे धर्मों से करवा लिया, गुजराती पंजाबी होने के जरूरत. द कल्चर इज मिक्सिंग अप, इट इज only up to certain extent के आप बच्चे को control कर सकते, then he or she has got his own mind. और उसमें बुराई कुछ नहीं है, आखिरकार हम सब इंसान हैं. चेंज है, चेंज हो रही है. और लंदन जैसा तो शहर आपको शायद पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, इतनी कम्युनिटी के लोग रहते हैं यहाँ, इतने आराम से रहते हैं, कहीं किसी चीज की कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है. आप मतलब मेरे ख्याल से हम जैसे त्योहार यहाँ मनाते हैं शायद हिंदुस्तान में भी मनाना संभव ना हो. मेरे कुछ दोस्त आते हैं तो वो ऐसे ही महसूस करते हैं, क्योंकि as you put it rightly कि it is a very diverse country और लंदन खासतौर पर very diverse है. और जहाँ आजाद ठीक है, racism भी है, लेकिन racism कहाँ नहीं है. well you got to fight it out. you got to fight it out. आप हमारे हिंदुस्तान में देखिए, वहाँ जातियों का racism नहीं है. कहाँ नहीं है रेसिज्म, थोड़ा बहुत हर जगह. या ओके, इंडिया में भी नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं होना चाहिए. तो आपने कोई ऐसी, आप नज़में लिखती हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं, जब मुशायरों में भी जाती हो, तो आपने कोई यहाँ की ज़िंदगी उसके बारे में कुछ लिखा आपने. हाँ, यहाँ की ज़िंदगी के, देखिए मैंने वही जो मैं आपको बता रही थी कि एक तुलनात्मक मैं जो करती हूँ, तुलनात्मक अध्ययन. आपको जो कॉलम लिखती हैं किस अखबार के लिए लिखती हैं? कॉलम में दैनिक जागरण के लिए, राष्ट्रीय संस्करण, उसके बाद दैनिक जागरण. जागरण, जी हाँ. वो दिल्ली से पब्लिश होता है? हाँ, दिल्ली से होता है उसका राष्ट्रीय संस्करण. उसके लिए लिखा 2 साल. और फिर नवभारत के लिए लिखती हूँ जो एमपी से निकलता है. बाकी तो फ्रीलांसिंग चलती रहती है किसी के लिए भी. तो आप, आप आपने टीवी जर्नलिज्म किया हुआ, तो टेलीविजन में आपने कभी प्रोग्राम दिया या क्या किया उसका, या कभी रिपोर्टिंग की? नहीं, टीवी पे मैंने पढ़ाई के बाद मैंने टीवी ज्वाइन किया था, टीवीआई इंडिया करके चैनल था. जी हाँ, बिजनेस इंडिया ग्रुप का. तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ थोड़े टाइम मैंने एज असिस्टेंट टीवी प्रोड्यूसर काम किया. लेकिन फिर वही है, फिर वहाँ से हम लोगों को यूएस आना पड़ा, तो फिर वो जॉब छोड़ दी थोड़ा. फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स मैं लेती हूँ, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स टीवी जर्नलिज्म के ही, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं. तो अभी कुछ भारत के शिक्षा व्यवस्था पर कुछ 45 डॉक्यूमेंट्रीज बनानी थी, तो वो काफ़ी लैंग्वेज में बनी थी, उसमें एक हिंदी भी थी. तो उसके लिए मैंने वो प्रोजेक्ट किया था हिंदी के लिए. अभी एक रशियन प्रोजेक्ट था, वो एक ट्रेवल लॉग एक तरह का, जैसे डिस्कवरी में आते हैं ना वो प्रोग्राम, लोनली प्लानेट टाइप, उस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज थी 50. वो लोग 9 लैंग्वेज में बना रहे थे, हिंदी भी थी उसमें, तो उसका हिंदी का प्रोजेक्ट मैंने किया था. तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में वो जो आपने कोर्स किया वहाँ टीवी जर्नलिज्म, वो काम आ गया ना? जी बिल्कुल, आ रहा है अभी तक, वो सारी जिंदगी आएगा. हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे जर्नलिज्म नेवर डाइज, वो कभी मरता नहीं है. वो नहीं मरता, वो आपके दिन प्रतिदिन दिनचर्या में भी वो शामिल रहता है. क्योंकि जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो नेचुरली तौर पर उसका माइंड इंक्विजिटिव होता है. जी, दे वांट टू नो मोर एंड मोर व्हाट इज गोइंग ऑन. जी जी अराउंड. जी बिल्कुल. ओके, तो सुनाइए. जी, तो एक ये है, इसका शीर्षक है भीड़. तो ये तुलना है वहाँ की, हिंदुस्तान की और यहाँ की भीड़ में, कि भीड़ भी अलग अलग तरह की होती है. तो यह है, हर शहर का होता है अपना एक चरित्र. हर शहर का होता है अपना एक चरित्र, कुछ खूबियां, कुछ कमियां और कुछ आदतें. इस शहर में भी रहती है भीड़, इस लंदन में, इस शहर में भी रहती है भीड़, किसी भी और शहर से ज़्यादा, किसी भी और शहर से व्यस्त. यहाँ भी दरवाजे के हैंडल तक बस में लटकते हैं लोग. यहाँ भी शटर के बंद हो जाने तक मेट्रो में ठुसते हैं लोग. ऊपर नीचे के हैंडल पकड़े, भारी बैग्स कंधे पर टांगे, खड़े रहते हैं किसी तरह. पर फिर भी यह भीड़ ट्रेन के आते ही बेकाबू नहीं होती. इंसानों की जमात
भीड़ों में परिवर्तित नहीं होती. Very good. नहीं होती अंदर घुसकर भी सीट हड़पने की कोशिश. हाँ. नहीं होती अंदर घुसकर भी सीट हड़पने की कोशिश. कोई नहीं कहता दो भरी सीटों के बीच थोड़ा थोड़ा खिसक जाओ बहन जी. स्टेशन स्टेशन के आने पर नहीं होता डर कि बाहर नहीं निकल पाएंगे. स्टेशन के आने पर नहीं होता डर कि बाहर नहीं निकल पाएंगे. आने वाले रेले से फिर से अंदर धकेल दिए जाएंगे. भीड़ तो हर जगह होती है पर शायद शहर के साथ अपना चरित्र बदल लेती है. बहुत खूब, बहुत खूब. ये आपने ना जो, क्योंकि देखो जी, जी बड़ी नेचुरल सी बातें हैं जो हमें पता है क्या होता है. लेकिन द डिफरेंस यू फाइंड व्हेन यू कम टू दिस कंट्री, यू आर जस्ट, एक्चुअली आई वाज शॉक्ड व्हेन आई केम. क्योंकि द टाइम आई केम इज 1962, यू नो, एट दैट टाइम एक तो ताज़ा था इंडिया का जो था, और दूसरे ये इतने नए लोग थे जहाँ अपने लोग होते ही नहीं थे, बहुत कम थे. तो हमें ये बात बहुत ही खूबसूरत लगी कि भाई लोग लाइन में खड़ते हैं, बस चढ़ते हैं तो फिर भी अगर टर्न आ गई तो आ गई, अगर उसने कह दिया नो मोर तो नो मोर ही. नहीं, दैट इज ट्रू. सॉरी कहते हैं, प्लीज कहते हैं. इसमें जो 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 शिष्टाचार होता है, दे डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग. बिल्कुल, मैनरिज्म डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग. बिल्कुल सही बात. बट इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन, बेटर सिटीजन. राइट. वहाँ पे अब देखिए, भारत में मेट्रो आ गई है, आप आराम से लाइन लगा के घुस सकते हैं उसमें, कोई परेशानी नहीं है. लेकिन बस वो आदत है, बिना धक्के के घुसेंगे ही नहीं. लाइन लगी होती है जब तक मेट्रो नहीं आती. जैसे मेट्रो आई, बस खत्म. Well, I never traveled on that. But you're right actually. Yeah. I've seen another thing. कि प्लेन पर जाते हैं हम लोग, बाहर रहते हैं, प्लेन में जाते हैं, पता नहीं हमें दिमाग में क्या हो जाता है कि जब प्लेन आता है तो हम भागते हैं. हालांकि आपकी सीट रिजर्व है, प्लेन उठने वाला नहीं है, पता उठ गया. लेकिन देखो, आदत है कि आ गई तो बस जाना है अंदर. इंडियन में से इंडियन नहीं निकलता. सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल. वो रह जाएगा थोड़ा बहुत तो. इंडियन में से इंडिया नहीं निकलता. नहीं निकलता, बड़ा मुश्किल. अच्छा, तो आपने तो बहुत अच्छी ये लाइनें कही हैं. धन्यवाद. तो ये जो एक वो लाइनें की बात की, देखो अब अंडरग्राउंड स्टेशन जो है आजकल तो बहुत भीड़ भड़का भी हो गया है, विच इज इन इट सेल्फ इज वरिंग. क्योंकि हम लोग जो आ रहते हैं, हमें पता है कि इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे, क्या निकल रहे हैं. पहले ट्रेन में आपको सीट मिल जाती है, अब तो सीट भी नहीं मिलती है. लेकिन यू आर राइट कि जो एक दूसरे को धक्के मुक्के नहीं होती है. ये नहीं है कि वो सीट है तो भाग कर उस पर जाकर बैठना है, या मतलब. तो जो जो आपने मेट्रो की बात की है, क्योंकि मैंने उस उतनी सफ़र नहीं किया उस पर, तो उसमें वाकई लोग क्या कहते हैं, अशांत से रहते हैं. नहीं, अंदर डिब्बे में तो क्या है कि आप अंदर पहुंच गए, उसके बाद तो ठीक है, कोई बात नहीं. हालांकि वहाँ भी मैंने देखा लोग ध्यान नहीं रखते, उस पर लिखा हुआ है ऊपर कि वृद्धों के लिए या महिलाओं के लिए सीट, तो वहाँ पर कोई भी बैठा होता है. तो मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है अगर वहाँ कोई आकर खड़ा हो गया तो वो उठकर उसको सीट दे दें. कई बार बोलना पड़ता है कि जी महिलाओं के लिए उठ जाइए, हम बैठना चाहते हैं यहाँ पर. या जो वहाँ महिलाओं के डिब्बे हैं वो तो खैर महिलाओं के होते हैं, लेकिन उनमें भी ये होता है कि आप बैठे हुए हैं सीट्स पर, तो दो सीट्स पर अगर दो लोग बैठे हुए हैं तो तीसरा आकर बोलेगा कि थोड़ा सा इधर उधर खिसक जाओ, तो एक और उसमें घुस जाएगा, बैठ जाएगा. हालांकि उसमें बुरी बात नहीं है, एडजस्ट कर रहे हैं. लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो लगती हैं कि क्या परेशानी क्या है, थोड़ी देर खड़े होकर भी चले जाएंगे तो क्या मुश्किल हो जाएगा. जो 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 इस किस्म की जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी. जी हाँ. क्योंकि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और भी है, वो ये है कि व्हेन आई केम हियर आई फाउंड इट वेरी प्लेजेंट एक्चुअली. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लोग कूड़ा करकट नहीं फेंकते. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. और ऐसा ऐसा जहाँ भी कुछ शरारती हो गए हैं पैदा, लेकिन नेवरदलेस ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि जो आपके साथी शहरी हैं उनको भी अकोमोडेट करो. हाँ जी, बिल्कुल, उनके साथ बिल्कुल, बिल्कुल. और ट्रेन में कूड़ा करकट तो नहीं होता वहाँ? नहीं, वहाँ इतना नहीं होता क्योंकि वहाँ पर फाइन है अब. अच्छा. क्योंकि वो हर स्टेशन पर सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, वो आकर देखते हैं कि आपको वहाँ खाना पीना मेट्रो में अलाउड नहीं है. तो इस वजह से. अच्छा, काफी खाना पीना नहीं अलाउड है. जी, तो इस वजह से काफी सफाई तो काफी रहती है, और सुरक्षा के तौर पर भी स्टेशन वगैरह काफी साफ रहते हैं, सुरक्षा काफी अच्छी है. लेकिन वो भीड़ का की जो मानसिकता है ना, वो नहीं बदलती. कि बस वो लाइन लगेगी, जरूर लगेगी मेट्रो के आने तक. और जैसे ही मेट्रो आई, दरवाजा खुला, तो सब लाइन वाइन सब खत्म हो जाती है. वंडरफुल टॉक. तो शिखा, वी विल हैव अ स्मॉल ब्रेक. तो दोस्तों, आज बातचीत हो रही है शिखा वार्ष्णेय से, और बहुत बढ़िया पोएट हैं. आपने देख लिया इनकी बातचीत भी, बड़ी जागरूक हैं, इनके साथ बातें हो रही हैं. तो ये बातचीत जारी रहेगी, इनकी कविताएँ भी और सुनेंगे आफ्टर.
तो वेलकम बैक टू एमएटीवी स्टूडियोज। आज हमारे पास हमारी गेस्ट हैं शिखा वार्ष्णेय जी, और ये जैसे मैंने कहा कि भी टेलीविजन जर्नलिज्म में इन्होंने ग्रेजुएशन की है और उसमें काफ़ी मुलव्वस रहती हैं और उसके साथ साथ लिखती भी हैं, और एक संस्था है उसका नाम है वाताइन हिंदी समिति, उसमें एक्टिव पार्ट ये प्ले करती हैं। ये क्या है वातायन हिंदी समिति? जी दो संस्थाएं हैं, एक वातायन और हिंदी समिति अलग है। तो वातायन दिव्या माथुर जी चलाती हैं। ये वातायन का मतलब होता है झरोखा, खिड़की। तो भारत से ईस्ट से वेस्ट की खिड़की बेसिकली वो वातायन है, जहाँ से आपको हवा मिलती है। तो वो दोनों तरफ का जो हिंदी भाषा है या अंग्रेजी भाषा है या पोइट्री है, उन दोनों को मिलाकर उनका संगम एक तरह से वहाँ से चलता है। कई सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ से चलते हैं। अभी एक आया था देसी गर्ल, जिसमें यहाँ पर जो भारतीय कवित्रियाँ हैं जिन्होंने लिखा है वो उनका संकलन था। फिर एक कहानियों का इसी तरह का संकलन आया है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में आता है वो। तो एक किताब में मेरी भी तो कुछ हाँ जी उसका नाम क्या था? नाम मैं उसका भूल रही हूँ, लेकिन उसमें हाँ आपका था और आपका इंटरव्यू वो मैंने ही लिखा था शायद। तो उसकी इंटरव्यूअर मैं ही थी, तो उसकी जो एंथोलॉजी है बहुत अच्छा जितना है। जी हाँ, जी हाँ, और आप नेहरू सेंटर में भी काफी जी हाँ, वहाँ जितने वो प्रोग्राम होते हैं उनमें मैं जाती हूँ, कि कथा यूके के प्रोग्राम भी काफी होते रहते हैं वहाँ पर, उसमें भी मैं जाती हूँ। हिंदी समिति है एक, जो पहले पद्मेश गुप्त चलाते थे, तो उन्होंने अब छोड़ के टीचर्स के हवाले कर दिया है। वो बेसिकली हिंदी भाषा के लिए है, टीचिंग से रिलेटेड है। तो वो लोग अपना स्कूल चलाते हैं पूरे यूरोप में, और वहाँ से बच्चे वहाँ हिंदी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं प्रॉपरली, उनके एग्ज़ाम्स कराते हैं GCSE लेवल तक, और फिर उसके बाद उनके कंपटीशन कराते हैं हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिताएँ। फिर उनमें जो बच्चे चुने जाते हैं उनको प्राइजेस मिलते हैं, पहले तो हिंदुस्तान की उनको ट्रिप मिला करती थी। तो काफ़ी अच्छा हिंदी के लिए वो समिति काम कर रही है। हिंदी है, इसका क्या भविष्य है? यहाँ हिंदी का भविष्य वैसे तो भारत में क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है। ये मेरा नेक्स्ट सवाल था। जी हाँ, ये सवाल ज़्यादा बड़ा है बजाय इसके कि यहाँ क्या भविष्य है, क्योंकि यहाँ तो हम किसी तरह उसको सहेज लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाषा हमारी पहली चीज़ होती है जिसके माध्यम से हम अपनी पहचान व्यक्त करते हैं। लेकिन भारत में उस भाषा का क्या भविष्य है, उसमें मुझे थोड़ा सा संदेह रहता है। हालांकि बढ़ रही है, जहाँ तक मुझे भाषा बोलचाल की भाषा हिंदी पर हम आते हैं, वो लगता है कि वो बढ़ रही है। ज़्यादा लोग हिंदी अब बोलते हैं, ज़्यादा लोग हिंदी अब समझते हैं। इंडिया में ज़्यादा लोग बोलते हैं क्योंकि मीडिया की भाषा ज़्यादातर हिंदी है, आम लोगों की भाषा हिंदी है। लेकिन ज्यादा लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन एक्टर लोग जो है जी अब वो काम तो हिंदी फिल्मों में करते हैं। एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रही थी कि वो जो भाषा के लिए काम करते हैं वो हिंदी भाषा के लिए काम करते हैं, लेकिन करते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो भाषा खत्म हो रही है ये नहीं हम कह सकते, बोलचाल की भाषा बढ़ ही रही है। हिंदी फिल्में शायद सबसे ज्यादा देखी जाती है, लेकिन जो उसका स्तर है, जो उसकी क्वालिटी है, वो गिर रही है। अभी मैं देखती हूँ जो आजकल के हम लोग जब 11, 12 में पढ़ा करते थे, वहाँ पर हमारा जो हिंदी का स्तर हुआ करता था, कम से कम हम शुद्ध लिखते थे, हम शुद्ध बोलते थे। अभी वो बच्चे हम देखती हूँ, जी हाँ मिक्स बोलते हैं और वही लिखते हैं, हाँ मिक्स ही लिखते हैं, और उसमें इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, मतलब कि आप देखकर उसको कहोगे कि ये क्या है, छोटी छोटी चीज़ों की इतनी गलतियाँ होती हैं, और उन पर कोई ध्यान नहीं देता, उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। उसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। जो स्टैंडर्डाइजेशन है इसका मसला पंजाबी में भी है। हाँ जी, अच्छा। और दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें भी है। जी जी अच्छा। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि उर्दू जो है, जी उर्दू भाषा जो है, उर्दू जुबान है, उसको स्टैंडर्डाइज किया गया। अच्छा। और अंग्रेजों ने किया उसको कि भाई इस किस्म का उर्दू, इस किस्म की उर्दू होनी चाहिए। तो हमारे स्टैंडर्डाइजेशन वो जो है वो हाथ से निकलती जा रही है। हाँ जी जी बिल्कुल। यहाँ पे भी मैं जब हिंदी के लिए काम करती हूँ, जब इंग्लिश मीडिया के साथ जो अंग्रेज हैं वो हिंदी की फिल्म बना रहे हैं, उनके साथ जब मैं काम करती हूँ या यहाँ पर, तो वो इस तरह की परेशानियाँ हम लोगों को आती हैं कि एक हिंदी भाषा है क्या,
क्योंकि जो मैंने जो उसको एक करके दिया है, उसका अनुवाद करके दिया है, वो वहाँ पर हिंदुस्तान में भेजते हैं, वो दिल्ली में किसी को भेजते हैं, वो उसमें से दूसरी गलतियाँ निकालते हैं, वो बिहार उसको भेजते हैं तो वो उसमें से दूसरी गलतियाँ निकालते हैं, वो उसको उत्तर प्रदेश भेजते हैं वो दूसरी गलतियाँ निकालता है. तो हमारे पास एक हिंदी भाषा ऐसी है ही नहीं जिसको हम कहें कि ये सही भाषा है. जी हाँ, बिल्कुल स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए. उसमें जो बंगाल में अगर आप हिंदी बोलते हैं, पंजाब में बोलते हैं, दिल्ली में बोलते हैं, वो एक जैसी होगी. हाँ जी, बिल्कुल. इसी तरह से पंजाबी में भी ये समस्या है. पंजाबी में एक पंजाबी होती है कि केंद्रीय पंजाबी जिसे कहते हैं, सेंट्रल पंजाबी जो है, खालस पंजाबी जो बोली जाती है वो लाहौर और अमृतसर वो जो एरिया है वहाँ बोली जाती है. बाकी जो इलाकाई होते हैं उसमें वो शब्द आ जाते हैं. लेकिन हिंदी इतनी मतलब वसी इसका दायरा है सारे हिंदुस्तान में, इसको स्टैंडर्डाइज करना चाहिए. जी, इसीलिए परेशानी होती है. फिर वो यहाँ पर जो मीडिया वाले अंग्रेज कहते हैं कि भैया नमस्ते, हम अभी हिंदी में काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से भेजा है दिल्ली वालों को, वो कहते हैं कि ये कोई हिंदी कौन सुनेगा आपकी, ये हिंदी इसको थोड़ा सा हल्का करो, तो इसका मतलब उसमें थोड़े से अंग्रेजी के शब्द डालो. वो वहाँ से जाता है एमपी तो कहते हैं कि इंग्लिश क्यों लिखी है, हिंदी लिखो. तो अब वो पांच बार में घूम घूम कर भी अनुवाद नहीं होता ठीक, क्योंकि जो हिंदी वहाँ की हिंदी है उसमें संस्कृत का मिश्रण बहुत हो गया. चलो अच्छा, तो आप सुनाइए कुछ और. जी चलिए, बातें थोड़ा स्त्री विमर्श कर लेते हैं. हाँ, है ना, स्त्री के बारे में आपने बड़ी खूब बात की है कि वहाँ पर परिवर्तन हो रहे हैं. जी हाँ, बिल्कुल, उसको समझने लगे. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. तो मैं वही आपको वहाँ के हालात थोड़े से दिखाती हूँ कि जो वहाँ घर में रहने वाली एक औरत है वो अब क्या सोचती होगी या क्या उसके दिमाग में आता होगा. तो इसका शीर्षक है सलाखों के पार. कहाँ संभव था उसका जी पाना, कहाँ संभव था उसका जी पाना, सांसें तक बोझिल हो गई थी. देखा करती थी वह अपने उस कमरे की एक सलाखों वाली खिड़की से, जो कहने को उसका हुआ करता था कमरा, जो कहने को उसका हुआ करता था, उन हवासी लड़कियों को जो उन्मुक्त थी, जाने कैसे उड़ी फिरती थी. देखने में तो उसी ही थी, मतलब वो अपनी खिड़की से देखती थी उन लड़कियों को, कि उन हवासी लड़कियों को जो उन्मुक्त थी, जाने कैसे उड़ी फिरती थी. देखने में तो उसी ही थी, पंख लगे थे उनमें कुछ शायद उससे कहीं कम, फिर भी न जाने क्यों वह तपा करती थी धूप में. धूप जो उसे कभी बर्दाश्त न थी, वह धूप जो उसने ही चुनी थी अपने नहीं अपनों की खातिर, इस उम्मीद में कि मौसम तो बदला ही करते हैं, कुछ समय की धूप है अपने आंगन में लगा लेगी एक छायादार वृक्ष. पर वह आंगन उसका था ही कब, वहां नहीं थी कहीं मिट्टी, सीमेंट गारे से पटा था पूरा आंगन, नहीं थी इजाजत वहां कुछ भी बोने की. हाँ, कुछ खूबसूरत गमले वहां आ गए थे, उनमें लगे थे फूल जो सहते थे उसकी ही तरह कड़ी धूप, पर उनकी तो नियति थी खिलने की, शायद यह उन्हीं की संगत का असर था कि खिली तो नहीं पर जी तो गई ही वह. आज भी सलाखों वाली खिड़की के बाहर बहती है उन्मुक्त हवा, पर वह खड़ी है अब भी उसी धूप में, यह धूप अब उसकी आदत बन चुकी है. बहुत बहुत मतलब, तो जो जो परिवर्तन जो इंडिया में आ रहा है बड़ी तेजी से आ रहा है. जी, एक तो हमने बात की है भाई एक्ट्रेस एक्टर जो लोग हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, बातें ऐसे करते हैं जैसे अमेरिका में बैठे होते हैं, किसके साथ बाहर जा रही हो, कौन सा है बॉयफ्रेंड, ऐसी जो बातें हमें कुछ जी बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन चेंज तो आनी ही थी. बिल्कुल. तो जो इंटरनेट का क्योंकि दौर है, इंटरनेट की वजह से भी बहुत चेंजेस आ गए. जी हाँ, बहुत बहुत. आप सोशल मीडिया देखिए, लोग उसे चाहे कितना भी बुरा कहें, जो भी उसको कहें कि बिगाड़ रहा है बच्चों को या बिगाड़ रहा है जनरेशन को, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है समाज सुधार में. क्योंकि जो लड़कियां या जो महिलाएं, खैर लड़कियां तो अभी काफ़ी बाहर आ गई, उन्होंने कर लिया, लेकिन जो महिलाएं जो हमारी पीढ़ी की या हमसे आगे एक पीढ़ी की जो महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, उनके पास वो एक्सपोजर नहीं था. वो
टैलेंटेड थी, पढ़ी लिखी थी, वो अपनी बात कहना चाहती थी, पर उनके पास कोई जगह नहीं थी जहाँ पर जाकर वो बोलें, क्योंकि उनके आसपास वही माहौल था. जी, उनके पास आसपास वही माहौल था, वो उसी में मजबूर थी, उसी में रहने के, उन्हीं आसपास के लोगों से बात करने के, वही काम करने के जो उनका पड़ोसी करता है, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था. लेकिन सोशल मीडिया ने उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ उनको ना तो पैसा खर्च करना था, ना जहाँ उनको किसी की जी हजूरी करनी थी, ना उनको जहाँ पर किसी से जाके कहना था कि हमने ये कहा है, आप इसको कृपया छाप दीजिए. बेसिकली जो सोसाइटी है वो जागरूक हो गई. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी बात कहना सीख गई. महिलाएं अपनी बात तक नहीं कह पाती थी, महिलाएं दूसरे लोग भी, बिल्कुल उनको भी ये होने लगा है कि भाई जो हम कर रहे हैं वो गलत है. फॉर एग्जाम्पल, जी बिल्कुल, फीमेल फीटिसाइड. जी हाँ बिल्कुल, आप समझते हैं क्या है कि वो फीमेल फीटिसाइड का मतलब जी मीडिया से इतना असर पड़ा है कि so many people are against it. जी हाँ, जी हाँ. तो स्टॉप तो नहीं हुए. नहीं, लेकिन काफी फर्क पड़ता है. हम देखते हैं मतलब सोशल मीडिया पे मैं काफी एक्टिव हूँ, मैं सामने सामने दिखता है. पहले होता था कि जो लोग ये समझते थे कि हाँ ऐसा ही होता है, ये ही रिवाज है, ये हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन जब वो सोशल मीडिया पे लोगों की बातें सुनते हैं, देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा करना, फिर वो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और चीजों को सुधारते हैं. बहुत सी कुरीतियां हमने देखी हैं जो रस्मों और रिवाजों के नाम पर हमारे हिंदुस्तान में फैली हुई है, और लोग उनको निभाते चले जाते हैं ये समझकर कि परंपरा है, लेकिन सोशल मीडिया पर आकर उनको समझ में आता है कि एक बात गलत है, तो वो उसका खंडन करते हैं, वहाँ पर खिलाफ करते हैं. तो सोशल मीडिया, आपके पास वेबसाइट भी है? जी हाँ, मैं ब्लॉग्स है मेरे, जी हाँ कई दफा बड़े क्वेश्चन मार्क से होते हैं उसके बारे में, खास करके वो दौर था सोवियत यूनियन वाला दौर, उस दौर में आप रही ना, तो वो डिफरेंट होता था, लोगों को पता नहीं था सच्चाई क्या थी. When you think back, reminiscent आप करती हैं, तो what did you find actually? Do you think picture at that time was not really transparent? Yes, actually जब हम गए थे, मैं 91 में वहाँ गई थी, तो वो ही समय था जब गर्बाचौ, जी हाँ, ट्रांजेक्शन का, जी हाँ जी हाँ, तो वो ही गर्बाचौ जा रहे थे और वो आ रहा था, सोवियत संघ का विघटन हो रहा था, वही समय, तो वही साल था जब हम अपना वहाँ फाउंडेशन कोर्स कर रहे थे और वही कंट्री टूट रहा था. तो हमने वह भी देखा जो पहला था सोवियत यूनियन, और वो भी देखा जो इमीडिएटली हुआ, और वो भी देखा जो उसके बाद हुआ. किस किस्म का परिवर्तन आपने देखा हुआ? देखिए, बहुत परिवर्तन, खासकर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी पर तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया था, अर्थव्यवस्था पर उनकी. मतलब हम लोग जब पहले गए थे, हमको इतना वहाँ पर जो कहते हैं वजीफा मिलता था, जो स्टाइपेंड हमको मिलता था, वो इतना होता था कि हम उसमें रह भी लेते थे, हम उसमें खा भी लेते थे, और हम उसमें दो बार की हमारी इंडिया का ट्रिप भी उसमें हो जाता था. और वो बहुत मिनिमम होता था वजीफ़ा, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा था, कुछ 100 या 90 रूबल कुछ होता था. और एकदम से एक साल में वो इतना ज़्यादा गिर गया, रूबल इतना ज़्यादा गिर गया कि उस वजीफे में सिर्फ एक ब्रेड, दो ब्रेड आया करती थी. तो लोग वहाँ के जो लोग थे, जद्दी लोग थे, उनका नेचुरली इट वाज अ ग्रेट शॉक फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव. जी, तो वो आपको कैसे ट्रीट करते थे एज एन इंडियन? देखिए, हम तो क्योंकि विदेशी थे, तो एक तो मानसिकता बदलने में भी समय लगता है. उनके दिमाग में वो था कि भारतीय जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, संस्कारी लोग होते हैं, बड़े प्यारे लोग होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वो फिल्में थी, राज कपूर था, अमिताभ बच्चन था, आवारा हूं, जी हाँ, और वो ख्वाब जूता है जापान, बिल्कुल बिल्कुल, वो ख्वाबों की बातें, जो चांद सितारों की बातें, और ना बड़े तो ऐसा इमेज प्यार, जी हाँ, प्यार करने वाले लोग और निभाने वाले लोगों का उनके इमेज था. तो वो अब बदला होगा शायद, लेकिन वो एकदम से तो नहीं बदलता. तो मुझे तजुर्बा हुआ है दोनों साइड देखने का, रूस से नहीं, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी. 1973 में पहली दफा गया था वहाँ, तो वहाँ मेरे पास तो ब्रिटिश पासपोर्ट था, मुझे बहुत मुश्किल आई दूसरी तरफ जाने के लिए. मेरा जो मेरे साथ मेरा दोस्त था उसके पास इंडिया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मुझे मुश्किल हुई. जब मैंने दूसरी तरफ गया तो टोटल रिवर्स, टोटल अपोजिट टू वेस्टर्न जर्मनी. वेस्टर्न जर्मनी वॉज लुकिंग मच मोर प्रॉस्परस, तो दूसरी तरफ बुरा हाल था. तो द पेपर आई वाज राइटिंग, यू नो, इट्स एडिटर डिडंट लाइक दिस कंपैरेटिव स्टडी, बट दैट काइंड ऑफ थिंग.
But did you find afterwards कि भई जो rosy picture खींची गई थी उसकी वो दरअसल नहीं थी हाँ बिल्कुल नहीं थी मतलब वो तो वहाँ जो लोग रह रहे थे वो एक rationing पर रहते थे उनको एकदम हर चीज राशन से मिला करती थी toothpaste से लेकर चावल तक उससे आगे कुछ नहीं मिलता था छुट्टियाँ तक राशन से मिलती थी इसको इतनी छुट्टियाँ मिलेंगी उसको इतनी मिलेंगी बस इतनी ही मिलेंगी कपड़ा इतना ही मिलेगा लेकिन उसके बाद जैसे ही वो टूटा तो वो फिर जो जनता थी वहाँ की वो चाहती थी कि हम भी यूरोप की तरह रहें जैसे बाकी यूरोप के लोग रहते हैं रशिया भी यूरोप है हमको भी यूरोप की तरह रहना है तो एक्सपो वो चाहते थे बाहर की चीज़ें आए रशिया के अंदर हक्सले ने कहा था कि भाई देयर इज नो परफेक्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड तो परफेक्ट तो कोई देश नहीं है कोई सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है बिल्कुल लेकिन वुड यू एग्री विद मी कि द बेस्ट सिस्टम व्हिच इज वर्केबल और व्हिच वर्क्स is feasible वो democracy बिल्कुल लोकतंत्र से अच्छा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हम जनता हैं हम लोग हैं हम ही चलाने वाले हैं हम ही चलने वाले हैं जी बिल्कुल मेरे हिसाब से भी नहीं नहीं बातें भी होनी चाहिए बातें भी होनी चाहिए चलिए कुछ बातें जिंदगी की कर लेते हैं तो ये जिंदगी है रेस के ट्रैक पर भागती कारों सी है जिंदगी रेस के ट्रैक पर भागती कारों सी है जिंदगी दाएं बाएं कर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में रुकना पड़ता है बीच बीच में करने को तीमारदारी पुर्जों की फिर भी कभी छोड़ देते हैं कुछ पुर्जे साथ या जल्दबाजी में हो जाती हैं टक्करें और पटरी से उतर जाती है कार कुछ हो जाते हैं खत्म तोड़ देते हैं दम तो कुछ होते हैं फिर से खड़े जुटाते हैं हिम्मत लाते हैं फिर अपनी गाड़ी पटरी पर और करते हैं जुगत फिर से आगे निकलने की पर रेस में जीतते तो हैं कुछ ही बाकी रह जाते हैं पीछे अगली बार जीतने की उम्मीद में ये जिंदगी फार्मूला वन रेस नहीं तो और क्या है जिंदगी के बारे में एक मैं सुना दूं जी जी प्लीज प्लीज अच्छा आप तो गजल भी लिखती हैं गजल मैंने कुछ लिखी थी शुरुआत में एक दो लेकिन वो पूरी तरह बहर में नहीं थी कहीं वजन अटक जाता है कहीं मतला रह जाता है तो गजल में जो बहर है ताल है जी जी वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बिना बात नहीं बनती है जी हां तो एक गजल में पेश करता हूं मैं गजल भी लिखता दूसरी चीज भी लिखता बिखरा बिखरा सा आजकल मन होता है क्या बात है बिखरा बिखरा सा आजकल मन होता है मन और कहीं मन और कहीं और पास तन होता है ओह वाह क्या बात है बिखरा बिखरा सा आजकल मन होता है मन और कहीं और पास तन होता है मिलते हो तो खिल जाते हैं मन के कमल मिलते हो तो खिल जाते हैं मन के कमल दिल का घुंघरू छन छना छन छन होता वाह क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मिलते हो तो खिल जाते हैं मन के कमल दिल का घुंघरू छन छना छन छन होता है बहुत बढ़िया तो फिर है भारत में आजकल कोई भारती नहीं होता अच्छा भारत में आजकल कोई भारती नहीं होता हिंदू सिख मुस्लिम ब्राह्मण होता है सही बात है हिंदू सिख मुस्लिम ब्राह्मण होता है बगल में छुरी मुंह में राम है नेता के आहा क्या बात है बगल में छुरी मुंह में राम है नेता के होंठों पर लेकिन जन गण मन होता है वाह सही बात बिल्कुल सही बात है बगल में छुरी मुंह में राम है नेता के होंठों पर लेकिन जन गण मन होता है टीवी पर ही होते हैं आजकल योगी क्या बात है टीवी पर ही होते हैं आजकल योगी सुंदर तन उनके पास धन होता है वाह बहुत बढ़िया के टीवी पर ही होते हैं आजकल योगी जी सुंदर तन उनके पास धन होता है जी 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 जिस पल मैं छू लेता हूँ माँ के चरण जिस पल मैं छू लेता हूँ माँ के चरण वो पल मेरे लिए पावन होता वाह बहुत बढ़िया वो पल मेरे लिए पावन होता है बहुत बढ़िया बहुत तो रोटी नहीं है मुयस्सर बच्चों को घर में अच्छा रोटी नहीं मुयस्सर बच्चों को घर में मंदिर में दूध होता है माखन होता है सही बात है मंदिर में दूध होता है माखन बहुत सही बात बहुत सही तो मगता है क्या करूंगा इबादतगाह में जाकर
क्या करूंगा, इबादत गाह में जाकर दिल में तो साथी साजन होता है। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया, दिल में तो साथी साजन होता है, बिखरा बिखरा साज कल मन होता है। वाह सही बात, मन और कहीं और पास तन होता है। सही बात, बिल्कुल इसी दोगलेपन पे भी मैंने भी कुछ लिखा था, मैं आपको सुनाती हूँ। जो भारत में जो होता है त्योहारों पर या जागरणों में जिस तरह की बातें होती हैं, तो उनमें कितना दोगलापन होता है। तो इसका शीर्षक है माता आई है, माता आई जी हाँ, वो माता आ जाती है ना जागरण तो उसी पर है कुछ। तो उसने शुरू किया हुंकारना, उसने शुरू किया हुंकारना, हिलाना मुंडी, खोलना बाल, और देखते ही देखते वो हो गई बावली। उसने शुरू किया हुंकारना, हिलाना मुंडी, खोलना बाल, और देखते ही देखते वो हो गई बावली। नोचने लगी अपने बाल, उबड़ खाबड़ हो गए कपड़े, फैल गया मांग का सिंदूर, मुंह से निकलने लगी लार। कुछ नहीं खाया था उसने सुबह से सिवा तानों के, कुछ नहीं खाया था उसने सुबह से सिवा तानों के, मैली सी धोती पर धब्बे थे उसके अरमानों के, वे पिला रहे थे उसे दूध अब, अब अभी तक ये था अब, वह पिला रहे थे उसे दूध अब, झड़कने वाले छू रहे थे पैर अब, नई चुन्नी अब उसे ओढ़ाई जा रही है, लोग कह रहे थे उस पर माता आई है। वाह बहुत खूब, यू टॉकिंग फिनिश होगी ना। हाँ तो व्हेन वी जो टच्ड इज रियली डिफरेंट थिंग, जी जी, नॉट ओनली डिफरेंट वी नो बट नॉट मेनी पीपल हैव टच्ड दिस। तो जब आप इंडिया में जाते हैं, जब वहाँ भी जो लोग हैं, डू यू थिंक कि आजकल हमारे लोग जो जो बहम भरम जिसे कहते जी 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 उसमें ज्यादा मुलव्वस हो गए? मुझे ऐसा लगता है कि चीजें बढ़ रही हैं। एक टाइम पर लगता था कि शायद कम होंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीजें बढ़ती ही जा रही हैं। जो लोगों के अंधविश्वास हैं या लोगों के जो भ्रम हैं चीजों पर लेकर, वो बढ़ते जा रहे हैं। अब वो किस वजह से हैं? इस वजह से कि उनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं जो नहीं पूरी हो पाती हैं, या एक्सपोजर इतना हो गया है कि उनको सब कुछ चाहिए नहीं मिलता है, या कंपटीशन ज़्यादा है, जो भी कहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब लोगों के अंधविश्वास कुछ ज़्यादा हो गए हैं। अब जैसे इसी में है कि वो लड़की जब तक घर पर है तो उसको तो ताने मिलते हैं, उसको कपड़ा नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, फिर वो कुछ ऐसा करने लगती है कि उसको इतना उसको हाँ जी हाँ डिस्टर्ब होती है, वो इस तरह से करने लगती है, तो उसको इम्पोर्टेंस मिलने लगती है कि भैया अब तो ये माता हो गई, तो उसको पैर छू रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि इंडिया में हमारी आबादी तो आपको पता ही है जी, कि हम किसी से कम नहीं, जी, 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 चाइना के जी, जी, तो कहते हैं कि वहाँ 1 करोड़ जी हाँ साधु हैं। बताइए वो जो साधु हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि वो 1 करोड़ जो लोग हैं, दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल अपने फूड के लिए, पहरावे के लिए, और जो अदर पीपल है वो उनको अंधविश्वास है जी, कि दे आर समथिंग डिफरेंट। चलो आप कुछ और सुनाइए क्योंकि हमारे लास्ट वो मिनट रह गए। हां जी हां जी हां जी, चलिए एक कुछ अच्छे मोड पर कुछ प्यार भरी बातें कर लेते हैं। जी हां, तो इसका शीर्षक है अलाव। एक इच्छा की सिलाई तुम ले लो, एक इच्छा की सिलाई तुम ले लो, एक मंशा की सिलाई मैं थाम लूं, दो फंदे समर्पण के मैं उठाऊं, दो फंदे अहम के तुम छोड़ दो, अलग अलग रंग ले ख्याल का, चल प्रेम की एक शॉल बुन ले, अलग अलग रंग ले ख्याल का, चल प्रेम की एक शॉल बुन ले, जिंदगी की ठंडी शाम में जब दिल की धड़कन सिहरेगी, एहसास का तब अलाब बन यही शॉल बीच में दहकेगी। वाह वाह वाह, और कुछ चलिए एक ये तो आपकी जो किताब है, एक तो स्मृतियों में रूस है, और दूसरी आपकी पोइट्री की किताब का नाम है, क्या नाम है? मन के प्रतिबिंब। हाँ मन के प्रतिबिंब जी, तो वो कितनी देर हो गई उसको पब्लिश किया? अभी 2 साल भी नहीं हुए शायद। Do you think people got the tendency to read more books nowadays or no? नहीं, हिंदी की बुक्स आ रही हैं बहुत, लेकिन छप बहुत रही हैं, धड़ाधड़ छप रही हैं, वो तो, लेकिन पढ़ी कितनी जा रही हैं वो एक बहुत बड़ा सवाल है। खासकर कविता की किताबें मुझे नहीं लगता कि इतनी पढ़ी जाती हैं, लेकिन छपती वो खूब हैं।
हर कोई छपवा लेता है बिल्कुल जी हाँ, वो शादी के कार्डों की तरह छपती हैं उसी तरह बांट दी जाती है उसी तरह फिर वो बांट भी दी जाती है तो इसीलिए मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ज्यादा अच्छा माध्यम है अपनी बात कहने का कि भैया बांटनी भी नहीं पड़ती चीजें, जिसे पढ़ना है पढ़ ले जी, किताब उठाकर पढ़ने की जी बिल्कुल 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 टच है जी हाँ नहीं 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 बिल्कुल मैं मुझे भी है वो मैं मुझे नींद नहीं आती बिना पढ़े किताबें। अच्छा जी जी बस चलिए तो एक छोटा सा ख्याल आपको सुना देती हूँ मैं। जब नहीं हटाते हम खिड़की दरवाजों और शीशों पर पड़ा गहरा पर्दा, जब नहीं हटाते हम खिड़की दरवाजों और शीशों पर पड़ा गहरा पर्दा, तब नहीं आने देना चाहते हम भारी हवा और रोशनी को अपने घर के अंदर। जब सोच लेते हैं हम कि जो हो रहा है बाहर उसका नहीं है कोई भी नाता हमारे अंदर से, तब उसी समय एक मोटा सा पर्दा पड़ जाता है हमारी अक्ल पर भी और छा जाता है एक घना अंधेरा और हम डूब जाते हैं अपने ही भीतर के किसी कुएं में। बहुत खूब। ये जो आपने किताबों की बात की है, हमारे पास फ्यू सेकंड्स हैं तो किताबों की बात कीजिए। जो अंग्रेजी में अभी परसों रिपोर्ट छपी थी कि यहाँ भी लोग कम पढ़ने लग गए हैं किताबें, खासकर जो लिटरेरी किताबें होती हैं, वरना जो इंग्लिश तो आपको पता ही है कि जी जी बिल्कुल बहुत पढ़ा करते थे बिल्कुल। और अभी जो न्यूज़पेपर भी है, मुझे तो आदत है रोज न्यूज़पेपर खरीदने का, लेकिन यहाँ भी कम आए दिन ये कम चीज हो रही है, क्योंकि जो आपने कहा कि पीपल कैन रीड फ्रॉम द इंटरनेट। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे को एक किस्सा याद है, छपा था कहीं यहीं पर किसी चीज में कि एक स्कूल में एक बच्चे से टीचर ने बोला कि अपने घर से एक किताब लेकर आओ। चल नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं बिल्कुल, उसका तो ख्याल रखना चाहिए। इतनी अच्छी बातें की एंड हमारे जो व्यूअर्स, आई एम श्योर दे विल लाइक दिस। एंड दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। एंड नेक्स्ट थर्सडे वी विल बी हियर अगेन फ्रॉम 9:30 to 10:30, प्लीज जॉइन मी, वी विल हैव अनदर गेस्ट और मे बी मोर देन वन गेस्ट। गुड नाइट एंड हैव अ वंडरफुल।